आइए मैं आपके बीच में हमारे उत्तर प्रदेश की जो सबसे लोकप्रिय कला है, जिसे हम लोक कला के तौर पर जानते हैं, नौटंकी जिसका नाम है, जिसके अंदर चौगोला छंद, बहरतवी, लावणी इत्यादि छंदों को लेकर ये लोक कला आधारित स्वांग शैली पर अमर सिंह राठौर के किस्से में से कुछ चौगोला बहरतवील छंद में आपको सुना रहा हूँ एक परिचय के तौर पर, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो अपनी लोक कला जो शैली है उसको सुनने से थोड़ा अलग जाता रहा है। तो आइए सबसे पहले अमर सिंह राठौर जब सहनशाह के दरबार में हाजिर होता है, अपने गौने की बात बताता है कि महाराज मुझे 7 रोज के लिए छुट्टी चाहिए, तो सबसे पहले क्या बात अमर सिंह राठौर कहता है आइए सुनते हैं। कि सहनशाह जापना को अरे बंदे का आदाब अज कम तरीन पामाल पामाल की है और है एक अरज जनाब। अरे फागुन वदी पंचमी का मेरा गौना करार पाया है। खबरी का बूंदी से और हल्का राखत लाया है और रुखसत लेने को हुजूर से ये खाक सार आया है। और हुक्म होवे सरकारी जी कि इनायत हो हुजूर की, कि इनायत हो हुजूर की और तो हम तैयारी करें क्योंकि मंजिल है बहुत दूर। इस तरह से वो अमर सिंह राठौर शहनशाह के सामने अपनी अर्जी कहता है। शहनशाह कहते हैं कि अमर सिंह तू मेरे इस दरबार के अंदर बड़ा समझदार है, बड़ा होनहार है और आज जगह बजगह लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, तमाम दुश्मन इस ताक में हैं कि किस तरह से हमारे राज्य को कमज़ोर किया जाए, फिर भी मैं एक बात आपको कह रहा हूं। और किस तरह से वो शहनशाह अमर सिंह को समझाता है आइए सुनते हैं। कि कुल रजपूतों और कुल रजपूतों में हुआ
بلند ارے امر سنگھ تو ہرو ترہا عاقل دانش مند ہو نہ جرا رخ ست ہونے پر پوری کسات روز کی اور چھٹی کی ہے اور خیر تیری منظوری ہر رہے ہمیش اور ہر ایک ہر گھڑی میرا تجھ سے کام ضرور اور تیار ساما تمام کر دی کہ آٹھ میں دن آ جانا اور ورنہ ایک یوم کا ہو ایک لاکھ روپیہ جرمانہ اس طرح سے امر سنگھ راٹھور اجازت لے کر کے گڑھ بوندی کے لیے چلا جاتا ہے۔